सर दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक के समय। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता था, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो स्टॉक अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहा है, लेकिन रिटर्न की बात करें तो एफडी से काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है, बट डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड थोड़ा कम देता है। यानी कि देता नहीं है ऐसा नहीं है, डिविडेंड देता है बट थोड़ा सा कम देता है। अगर वहीं बात करें एंट्री पॉइंट की, तो आप देखेंगे वो शेयर ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो शेयर रेड फ्लैग अवेलेबल है उसमें। यानी थोड़ा सा रिस्क आपको हो सकता है अगर इस शेयर को आप बाई करते हैं, लेकिन इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहा है, जो कि वॉरेन बफे जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा स्टॉक आपको खरीदना है तो आप उस स्टॉक को खरीदिए जो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहा है, यानी जो इनकी एक्चुअल वैल्यू होती है उसके अगर पास मिल जाए कोई शेयर तो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे परफेक्ट शेयर हो जाता है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। उससे पहले इनके 4 सालों का हम देख लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड, यानी कि क्या रेवेन्यू बन रहा है, क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कंपनी के अंदर। अगर रेवेन्यू की बात करें तो आप देखेंगे 1000 करोड़ में सारे डेटा अवेलेबल है। रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से कंपनी का ग्रो हो रहा है, यानी जिस हिसाब से कंपनी अपना रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है वो काफ़ी कमाल की है। अगर वहीं बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे कंपनी को 2017 में फ्लैट था, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन अगर बात करें 2018 में, तो आप देखेंगे 0.02 थाउजेंड करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। अगर 2019 की बात करते हैं तो 0.23 थाउजेंड करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, जो कि 2018 के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अगर 2020 की बात करते हैं तो आप देखेंगे कंपनी को और भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, जो कि था 0.36 थाउजेंड करोड़ का। यानी कि कंपनी 2018 के बाद से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक कर रही है, कम बैक कर रही है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो देख लेते हैं वो कौन सी कंपनी है। तो दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। अगर इनके लेटेस्ट के रिजल्ट की बात करें तो आप देखेंगे इनका जो प्रॉफिट रेज हुआ है, यानी कि प्रॉफिट में जो ग्रोथ आई है वो है 17.14% की। अगर वहीं सेल की ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे 0.34% की ग्रोथ देखने को मिला इनके नेट सेल में। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के। थोड़े और डेटा देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके कि शेयर के अंदर क्या चल रहा है और क्या किस टाइम पे शेयर को बाई किया जा सकता है। तो आप देखेंगे इनके 52 वीक हाई और लो की बात कर लेते हैं। 52 वीक लो की बात करें तो 146.30 रुपये, जो कि 25 मार्च 2020 को कंपनी ने बनाया था, लेकिन कंपनी ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया और आप देखेंगे 898.90 रुपये, जो कि 25 अगस्त 2020 को कंपनी ने अपना नया 52 वीक हाई बनाया। अगर वहीं आज के डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 20.89% की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की बात करें तो 3,64,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी, जो कि डिलीवरी वे से उठाई गई है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर थोड़ा फंडामेंटल पे जोर डालें, यानी कि हमने कंपनी का बैकग्राउंड तो देख लिया, अब थोड़ा सा और ज़्यादा डीप जाकर देख लेते हैं, यानी फंडामेंटल देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके कि कंपनी का एक्चुअल फंडामेंटल क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ ऊपर ऊपर के डेटा देखे। तो देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल क्या चल रहा है। अगर इनके मार्केट कैप की बात करें तो 3,823 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि अगर इनके बुक वैल्यू की बात करें तो आप देखेंगे 186 रुपये का बुक वैल्यू है। डिविडेंड जैसा मैंने कहा कंपनी देता है, लेकिन थोड़ा कम देता है, 0.61% का इनका डिविडेंड यील्ड है। अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो आप देखेंगे 10 रुपये का फेस वैल्यू है इस शेयर का। अगर वहीं हम बात कर लेते हैं डेप्ट की, तो आप देखेंगे 24.6 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, लेकिन अगर कैश की बात करें तो आप देखेंगे 391 करोड़ का कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, यानी कि डेप्ट बिल्कुल भी जीरो है, क्योंकि इतना कैश है कंपनी के पास तो कंपनी कभी भी बहुत ही माइनर सा डेप्ट है, तो कभी भी कंपनी खुद को डेप्ट फ्री कर सकती है। तो देख लेते हैं इंडस्ट्री पी की बात करें तो 23 के PE पे चला, जबकि अगर स्टॉक पी की बात करें तो आप देखेंगे 8.32 का चल रहा है। यानी कि दोनों को कंपेयर करते हैं तो स्टॉक पी बहुत कम है इंडस्ट्री पी से अगर कंपेयर करते हैं। हाँ, अगर पिछले कुछ टाइम की बात करें तो जो फार्मा की कंपनियां हैं वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर देखते हुए मिले हैं, क्योंकि दोस्तों कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा कोई अगर कंपनी भागी थी तो वो फार्मा के सेक्टर का थे। तो जाहिर सी बात है अब उसमें थोड़ा सा आपको अंडर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो देख लेते हैं और क्या डिटेल बनता है। अगर ROE की बात करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो आप देखेंगे 56.9% का रहा है। तो दोस्तों और डिटेल देखते हैं। अगर प्रोज और कॉन्स की बात करें तो आप देखेंगे कंपनी के अंदर कॉन्स तो है ही नहीं, यानी कोई भी कमी नहीं है, कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। अगर कंपनी के डिटेल की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनके कुछ प्रॉन्स पे नज़र डाल लेते हैं। आप देखेंगे कंपनी अपना डेप्ट लगातार कम करती जा रही है और लगभग डेप्ट फ्री हो भी चुकी है। अगर पिछले 5 सालों के स्टॉक के जो कि प्रॉफिट के CAGR की बात करें तो आप देखेंगे 49.30% का, यानी लगभग 50% के आसपास का है, जो कि पिछले 5 सालों के स्टॉक पे प्राइस के प्रॉफिट के CAGR की बात करते हैं। अगर वहीं ROE की बात करें पिछले 3 सालों का, तो आप देखेंगे 53, यानी कि लगभग वो भी 50 के आसपास ही है।
अगर वही बात करें सेल ग्रोथ की, पिछले 10 सालों में तो आप देखेंगे 17% का, यानी कि नॉट बैड। अगर इतने लॉन्ग टर्म में कोई कंपनी अगर 17% का अगर CAGR बना के रखती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो दोस्तों अगर कुछ और डिटेल देखते हैं तो स्टॉक के प्राइस के CAGR की बात कर लेते हैं, काफ़ी अहम मुद्दा हो सकता है, काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो देख लेते हैं, 10 साल में 33% का CAGR है, यानी काफ़ी अच्छा है। अगर 5 साल की बात करें तो 57% का, 3 साल में 106% का, अगर 1 साल की बात करें तो 160% का, यानी ओवरऑल जो डिटेल दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस शेयर का। तो देख लेते हैं इस शेयर को कब बाई किया जा सकता है, उससे पहले कुछ और डिटेल देख लेते हैं फंडामेंटल। अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो आप देखेंगे जो प्रमोटर मार्च 2018 में 41.19% का हिस्सेदारी अपने पास रखते थे, वो बढ़ाकर 43.69 कर रखे हैं, यानी प्रमोटर्स भी अपने शेयर्स को लेकर थोड़ा सा बुलिश लग रहे हैं, यानी वो भी खरीदारी कर रहे हैं। अगर वहीं बात करें इसमें पब्लिक की, तो आप देखेंगे पब्लिक भी काफ़ी अच्छा खासा इसमें होल्डिंग रख रखी है। FIIs की बात करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए, तो देखोगे आप उसमें मार्च 2018 में जो कि FIIs बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे इस शेयर को लेकर, अगर करंट की बात करें यानी दिसंबर 2020 की बात करें तो लगभग 8% तक पहुंच चुका है FIIs की परसेंटेज, यानी वो लोग काफ़ी बुलिश लग रहे हैं इस शेयर को लेकर। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर रिटर्न की बात करें, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है क्योंकि हम इतना डिटेल देख रहे हैं तो रिटर्न को भी एक बार देख लेना चाहिए। तो पिछले अगर कुछ टाइम से यानी 6 महीने का डिटेल देखें तो नेगेटिव, यानी कि लगभग 12.5% का करेक्शन आ चुका है। 3 महीने में 18% से ज़्यादा का करेक्शन, 1 महीने में 9% का करेक्शन, 3 महीने की बात करें तो 6.5% का करेक्शन, 1 दिन की बात करें तो लगभग 2.5% का करेक्शन देखने को मिला, यानी पिछले 6 महीने से इस शेयर में लगातार करेक्शन ही आ रहा है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है, और साथ के साथ उन लोगों के भी क्वेश्चन के आंसर देंगे जो लोग इसको हाई पे बाई कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों अगर 1 साल की बात करें तो 153% का आपको रिटर्न देखने को मिला है, 2 साल में 236% का रिटर्न, 3 साल में आप देखेंगे लगभग 750% का रिटर्न, 4 साल में 588% का रिटर्न, 5 साल की बात करें तो 806% का रिटर्न। नहीं, लॉन्ग टर्म का जो डेटा है वो काफी अच्छा है, शॉर्ट टर्म में यानी पिछले 6 महीने अगर 3 महीने की बात करें तो मुझे डेटा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं, अगर इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि परफेक्ट डेटा है जो कि अवेलेबल है, और इतनी करेक्शन के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो मिली जाती है, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई शेयर करेक्ट होता है तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढ लेनी चाहिए। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनते हैं। आप देखेंगे शेयर काफी करेक्ट हो चुका है, करेक्शन के बाद अच्छी खासी उछाल भी आई, लेकिन फिर थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है। तो अगर ये शेयर आपको 600 के आसपास मिले तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को खरीदारी कर लेनी चाहिए। कम से कम अगर आप इस शेयर को 2 से 3 साल के लिए भी होल्ड करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। और जिस हिसाब से इनके स्टॉक प्राइस के CAGR के हमने डिटेल देखा, 57% तक का डिटेल देखने को मिला 5 सालों में। तो दोस्तों 2 से 3 साल अगर कम से कम आप होल्ड करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिला। 1 साल में, 2 साल में, यानी लगभग हर साल में आप देखेंगे लगभग 100% का रिटर्न देखने को मिला था इस शेयर में। तो करेक्शन भी आ चुकी है, तो मेरे ख्याल से ये परफेक्ट मौका होगा इस शेयर को खरीदारी का। जो लोग ऑलरेडी ऊपर खरीद चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो लोग भी पेशेंस रखें और होल्ड करें। दोस्तों पेशेंस और टाइम दो चीज़ अगर आप देंगे तो आपके बहुत ही अच्छे खासे पैसे बनने वाले हैं, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है ये शेयर, फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्ट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना के ये देगा ये कंपनी। मैं बात कर रहा IOL केमिकल के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी को जरूर से ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करें, बेचने की बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, पैसा जरूर बनेगा इस शेयर में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।